समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश और देश के हालात बहुत खराब हैं, महंगाई बढ़ रही है, बीजेपी सामाजिक समर सत्ता बिगाड़ रही है। दरअसल मुरादाबाद में सपा का मंडलीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित होने जा रहा है, जिसके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम उसकी तैयारियों के मद्देनजर पहुंचे थे और मीडिया से बात करते हुए बताया कि किसानी देश की रीढ़ है, अगर वही कमजोर हो जाएगी तो देश कमजोर हो जाएगा। वो किसान आंदोलन पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। देश में पहली बार ऐसा आंदोलन हुआ है जिसमें लोग सरकारों से कुछ मांगने जाते थे, लेकिन पहली बार किसान कह रहे हैं कि इस कानून को समाप्त करो। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है तो वो तो पहले भी किसानों के साथ खड़ी थी और आज भी किसानों के साथ खड़ी है। और आपको बता दें कि देश और प्रदेश के हालात भाजपा ने बिगाड़ दिए हैं, वो केवल पूंजीपतियों की पार्टी होकर रह गई है। भाजपा केवल गलत बोलने वालों की पार्टी है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने मुरादाबाद पहुंचकर प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। चाहेंगे किस दौरे पे आप मुरादाबाद आई हैं? क्योंकि मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी का मंडल का प्रशिक्षण शिविर है, उसी में शिरकत करने के लिए हम मुरादाबाद जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में इमरान जी हमारे परिचित हैं, इनके पिताजी समाजवादी विचारधारा के, इन्होंने आग्रह किया कि हमारी चाय पी लीजिए, हम यहाँ बैठते हैं। तो हम इमरान जी से और इनको कहने भी आए हैं कि सब लोग समाजवादी विचारधारा में रहें, क्योंकि समाजवादी विचारधारा से पूरे प्रदेश का देश का भला है। आज उत्तर प्रदेश के हालात बहुत खराब हैं, पूरे देश के हालात, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, बीजेपी सामाजिक समरसता बिगाड़ रही है। हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से समाज में नफरत है, जिससे हम सबसे निवेदन करते हैं कि सब लोग माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी में आप सब लोग आएँ और समाजवादी पार्टी को, समाजवाद को मजबूत करें। समाजवाद ही एक ऐसा सिद्धांत है, विचारधारा है, जिससे समतामूलक समाज की स्थापना होगी और गैर बराबरी दूर होगी। अच्छा, मुरादाबाद में 12 तारीख में अखिलेश जी आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि मुरादाबाद से रामपुर तक साइकिल मार्च निकाला जाएगा, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, साइकिल मार्च तो रामपुर में होगा जी, रामपुर। यहाँ मुरादाबाद में क्या प्रोग्राम उनका होगा? मुरादाबाद में शिविर है, प्रशिक्षण शिविर, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर। अच्छा, जिसको माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधित कर। अच्छा, जिस तरीके से देश का अंदाता दिल्ली के अंदर प्रदर्शन कर रहा है, सरकार 3 कृषि कानून वापस नहीं ले रही है, 200 से अधिक किसानों की वहाँ मृत्यु हो चुकी है, उस पर क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से उन शहीद किसानों के प्रति हम श्रद्धांजलि करते हैं। और देश का कृषि, देश के किसान ही आर्थिक रीढ़ है, और जब हमारी रीढ़ कमजोर हो जाएगी तो देश कमजोर हो जाएगा। इसलिए किसानों की बात को भारतीय जनता पार्टी को मानना चाहिए। जो किसान विरोधी 3 बिल आए हैं उनको वापस लेना चाहिए। 7 दिसंबर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने किसानों के समर्थन में और इन किसान बिलों के विरोध में समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक नेता को समाजवादी आंदोलन के माध्यम से किसानों की ताकत को मजबूत करने का काम किया। अच्छा, जिस तरीके से कृषि मंत्री जी से कई बार किसान आंदोलन के संगठनों की वार्ता हो चुकी है, उनकी कोई भी अभी तक हल नहीं निकला है, क्या आगे भी ये प्रदर्शन चलेगा और आपकी क्या पार्टी उनको समर्थन करेगी? किसान देश में पहली बार एक ऐसा काम हो रहा है कि अभी तक लोग कुछ सरकारों से मांगने जाते थे, सरकार से कुछ मांगने जाते थे, लेकिन अब की बार इसी देश के अंदर भारत के किसान भारतीय जनता पार्टी से कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ये किसान बिल आप हटाइए, हमारे ये खिलाफ है, खेती के खिलाफ है, कमजोर आदमी को परेशान करेंगे, ये पूंजीपतियों को पोषक है, ये किसान विरोधी बिल है, इसलिए इन 3 किसानों बिलों को वापस लेना चाहिए। अच्छा, कृषि मंत्री जी ने 1.5 साल का उसमें संशोधन दिया था, उसमें संशोधन के बाद भी उन्होंने 1.5 साल के बाद लागू करने की बात कही थी, किसान फिर भी जिद पे अड़े हुए हैं, क्या है? किसान जिद पे नहीं, किसान ही इस देश का मूल है और किसान के बदौलत पूरे देश, दुनिया के लोग उनके परिश्रम से, उनके मेहनत से जो अन्न उत्पादित होता है वो सबको मिलता है। इसलिए किसान को अन्नदाता कहा गया है, अन्नदाता ही को भगवान की श्रेणी दी गई और उनकी अनसुनी कर रही भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तानाशाही कर रही है और पूंजीपतियों को पूंजी बढ़ाने का मौका दे रही है। अच्छा, बीजेपी के नेताओं का कहना है कि इसमें संगठन मजे लेने के लिए आगे आंदोलन को बढ़ा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी मजदूरों की पार्टी, समाजवादी पार्टी मेहनत कश लोगों की पार्टी है, कोई पहली बार नहीं। अगर किसी के खिलाफ, किसानों के खिलाफ कोई बिल होगा, निश्चित रूप से जनता के साथ समाजवादी पार्टी पहले से खड़ी थी, आज भी है और सदैव रहेगी।
अच्छा, क्या अपील करना चाहेंगे जो आज मुरादाबाद आपका आना हुआ है जनता से, जिस तरीके से देश का अन्नदाता दिल्ली का, मुरादाबाद के लोगों से, मुरादाबाद के अलावा सभी लोगों से और यहाँ उपस्थित लोगों से कहना चाहते हैं कि ये देश के हालात भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश के हालात भारतीय जनता पार्टी ने बिगाड़ दिए। यहाँ आर्थिक विषमता बढ़ी है, गैर बराबरी बढ़ गई है। एक तरफ पूंजीपतियों के पास अथाह पैसा होता जा रहा है, दूसरी तरफ गरीब आदमी की माली हालत और खराब होती जा रही है। तो आर्थिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए, सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए, सामाजिक समरसता को लाने के लिए समाजवादी आंदोलन से, समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ आप अपना सहयोग दें, यही मेरी अपील है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सपा के कार्यकर्ता इस मिलजुल के संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं और ये प्रदर्शन उन्हीं के कहने पर चल रहा है, जितना दिल्ली के अंदर खर्चा हो रहा है वही सब सपा के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के संगठनों को पहुंचा रहे हैं। समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी का एक एक व्यक्ति किसान है और किसानों के दर्द को किसान ही समझेगा, कोई दूसरा नहीं समझेगा। भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी गलत बोलने वालों की पार्टी है, इसीलिए किसान जिद पर नहीं है, किसान तो अनुनय कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार जिद पर जड़ी अड़ी हुई है कि हम कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे, वो कारपोरेट जगत को लाभ पहुंचाने के लिए किए गए हैं।